संपूर्ण दृश्य प्रपंच क्षणभंगुर और अनित्य होने के कारण मृग तृष्णा के जल या स्वप्न के संसार की भांति मायामय है। केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सत्य है, उसी में यह सारा प्रपंच माया से अध्यारोपित है। इस प्रकार नित्य अनित्य वस्तु के तत्व को समझकर जो पुरुष निरंतर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहता है, वही तत्वविद है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्वज्ञान को जानने वाले योगी के बारे में, उसकी क्रियाओं के बारे में और एक यथार्थ सांख्य योगी की पहचान कैसे कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े रहें। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन से तत्व को जानने वाले सांख्य योगी के लक्षण और उसकी क्रियाएं तथा एक सांख्य योगी की पहचान कैसे की जा सकती है, इसके बारे में बताते हैं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य समझता है कि स्वप्न काल में स्वप्न के शरीर, मन, प्राण और इंद्रियों द्वारा मुझे जिन क्रियाओं के होने की प्रतीति होती थी, वास्तव में ना तो वे क्रियाएं होती थी और ना मेरा उनसे कुछ भी संबंध ही था। वैसे ही तत्व को समझकर निर्विकार अक्रिय परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले सांख्य योगी को भी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और मन आदि के द्वारा लोक दृष्टि से की जाने वाली देखने सुनने आदि की समस्त क्रियाओं के करते समय यही समझना चाहिए कि ये सब मायामय मन, प्राण और इंद्रिय ही अपने अपने मायामय विषयों में विचर रही हैं। वास्तव में ना तो कुछ हो रहा है और ना मेरा इनसे कुछ संबंध ही है। कथन मात्र से ना तो कोई सांख्य योगी ही हो सकता है और ना उसको कर्मों से संबंध ही छूट सकता है। सच्चे और वास्तविक सांख्य योगी के ज्ञान में तो संपूर्ण प्रपंच स्वप्न की भांति मायामय होता है, इसलिए उसकी किसी भी वस्तु में किंचित भी आसक्ति नहीं रहती। उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दोष उसमें जरा भी नहीं रहते। ऐसी अवस्था में निषिद्ध दचरण का कोई भी हेतु ना रहने के कारण उसके विशुद्ध मन और इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी चेष्टाएं होती है सब शास्त्रानुकूल और लोकहित के लिए ही होती है। वास्तविक सांख्य योगी की यही पहचान है। जब तक अपने अंदर राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि का कुछ भी अस्तित्व जान पड़े, तब तक सांख्य योगी के साधक को अपने साधन में त्रुटि ही समझनी चाहिए। अपनी इस
यात्रा को इस वीडियो में हम विराम देते हैं। अगर आपके कुछ भी प्रश्न हैं तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। श्री कृष्ण भगवान की जय।